कोरोना संक्रमितों की पिछले 24 घंटे में हुई मौत के मामले में छत्तीसगढ़ चौथे नंबर पर पहुंच गया है। जनवरी महीने के बाद पिछले हफ्ते प्रदेश में 53 लोगों की मौत हुई थी, जो अब तक सबसे ज्यादा है। एक तरफ मौतें बढ़ रही हैं, वहीं वैक्सीनेशन भी खतरे में आ रहा है। अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2.5 दिन की कोरोना वैक्सीन बची है। अगर 1-2 दिन में वैक्सीन की खेप नहीं आई तो प्रदेश में टीकाकरण रोकना पड़ जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी से अब तक प्रदेश को लगभग 16,77,540 वैक्सीन की खुराकें मिली हैं। इनमें 16,00,000 कोविशील्ड और 77,000 से 540 को वैक्सीन शामिल हैं। इसमें से 14,00,000 से ज्यादा डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है। प्रदेश भर में 1,489 केंद्रों पर टीकाकरण चल रहा है। यहाँ सोमवार को शाम 6 बजे तक वैक्सीन की 2,62,000 वैक्सीन की खुराकें ही बाकी हैं। एक दिन में प्रदेश में 1,00,000 से ज्यादा टीके लग रहे हैं, इसलिए वैक्सीन गुरुवार को दोपहर खत्म हो जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी हम लेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोहन, छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना पैर पसार रहा है, ऐसे में वैक्सीन की डोज भी खत्म होने वाली है, क्या जानकारी? देखिए, ये चिंता की बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़े उस स्तर को छू रहे हैं जो कि सितंबर महीने में थे। सितंबर के महीने में हमने देखा था कि 1500 से 2000 जो है कोरोना के केसेस प्रतिदिन छत्तीसगढ़ में निकल रहे थे। अब हालात ये है कि 1500 केसेस कल छत्तीसगढ़ में दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जब संक्रमण बढ़ रहा है तो लोगों की वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ी है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि वैक्सीन और टीकाकरण को लेकर लोग काफ़ी उदासीन थे और यही वजह है कि 50% से कम जो एक टारगेट था उससे कम लोग जो है वैक्सीन लगाने पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के प्रति भी जागरूकता बढ़ती जा रही है और लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन करा रहे हैं और इसीलिए 1,00,000 लोग प्रतिदिन एक अनुमान के हिसाब से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। और ऐसे में जब 2,00,000 ही वैक्सीन अब छत्तीसगढ़ के पास बाकी है तो 2 दिन में वैक्सीनेशन का जो टीका है वो खत्म हो सकता है, ऐसी आशंका है। और इसीलिए इस पूरी खबर के बाद हड़कंप सा स्वास्थ्य विभाग में मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने केंद्रीय स्तर पर बातचीत की है और उम्मीद की जा रही है कि तीसरे दिन जो है वैक्सीनेशन के जो डोज हैं वो आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ में क्योंकि वैक्सीनेशन काफ़ी कम हो रहा था इसलिए जो नियत समय में टीकाकरण के लिए वैक्सीन भेजी जानी थी वो भेजी नहीं गई और यही वजह है कि काफ़ी जो है तेज़ी से जब वैक्सीनेशन बढ़ा तो डोज कम हो गए और जो वैक्सीन है वो पहुंच नहीं पाई है। तो चिंता की बात जरूर बनी हुई है, लेकिन इसमें टीकाकरण अभियान से जुड़े हुए लोग जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन की अगली खेप जो है वो छत्तीसगढ़ को मिल जाएगी। लेकिन अब केवल 2 ही दिन का डोज बचा हुआ है, इसलिए इसको तेज़ी से करने की ज़रूरत है। प्रशासन स्तर पर इसको लेकर पहल की जा रही है, लेकिन अगर 2 दिन बाद भी डोज नहीं आते हैं तो ज़रूर ये चिंता की बात होगी। जी बिल्कुल मोहन, चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि वैक्सीन की खेप पहुंच सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए।